welcome to Bollywood Spike. Today we have with us super talented Arunita, जो कि Indian Idol 12 की contestant है और बहुत ही आग लगा रहे हैं. स्वागत है आपका Bollywood Spike. Thank you so much. जी Arunita, आपकी आवाज के इतने सारे लोग fan हो चुके हैं, आपको इतना पसंद किया जा रहा है. Indian Idol 12 के मंच पर इतना बड़ा मंच आपको मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, अपने जर्नी के बारे में कुछ बताएं. मैं जब यहाँ पे पहले आई थी ऑडिशन से, तो मतलब इतना बड़ा मंच, ऐसे जजेस, तो सबको देख के मैं थोड़ा नर्वस थी. ऑब्वियसली सभी रहते, पर मैं थोड़ा ज्यादा ही थी, क्योंकि उस टाइम इतने बड़े जजेस को देख रही हूँ, इतना बड़ा मंच है, प्लेटफॉर्म है. तो उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता गया, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में ही हमको नेहा कक्कड़ मैम, विशाल सर एंड एकता सर ने हमको बोला था कि ये मंच तुम्हारा घर ही समझो, तुम्हारा घर ही है, तुम्हारे घर के ही लोग ऐसे गाओ. तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस वाला बात है. तो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो बहुत एंजॉय कर. जी Arunita, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एवरी वीक सेलिब्रिटीज आते रहते हैं, आपको भी कई सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती होगी. कितने बिजी रहते हैं आप, कैसे ही सारी चीजें मैनेज करते हैं, क्योंकि फैंस के भी इतने सारे मैसेजेस आते होंगे, तो कैसे मैनेज करते हैं हमें ये बताइए. हमारा एवरी वीक शूट होता है और आप लोग वो देखते हैं एपिसोड्स, तो हमको बस हम सबको बस 3 से 4 दिन ही मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, गाना सब लिरिक्स याद करने के लिए. ट्यून तो है ही, लिरिक्स भी है, और उसमें जो छोटी छोटी बारीकी चीजें सब रहती है याद करने, तो वो 4 दिनों में सब हमको करना पड़ता है. वो तो थोड़ा हार्ड रहता ही है, पर हम पूरी मेहनत से उसको करने की कोशिश करते हैं. और जजेस बहुत सपोर्टिव है, तो उतना मतलब इतने अच्छे जजेस, इतना अच्छा म्यूजिशियंस, इतना बड़ा स्टेज, और हमारे कोचेस भी इतना सपोर्ट करते हैं हम लोगों को. तो एक स्ट्रेंथ रहता है कि हमारे साथ इतना पावर है, और पेरेंट्स का आशीर्वाद ऑब्वियसली. तो एक स्ट्रेंथ रहता है कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, तो उसी को सोच के आगे जाते. Arunita, हमने देखा है कि आपकी आवाज जितनी सुंदर है, उतने ही प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं आपको, और कई बार तो स्टेज पर आपकी नजर भी उतारी जा चुकी है, टीका लगाया गया है आपको काजल का, कैसा महसूस करती है आप, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी है नेहा मैम, इतनी बड़ी सुपरस्टार है, फिर भी उनको उतना कुछ नहीं है. वो आके हमारे साथ बात करती है, सब जजेस जब आते हैं हमारे स्टेज में, तो हमारे साथ आके वो लोग बात करते हैं. Arunita, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गुरु कौन है, कहां से आपने ये सिंगिंग के बारे में सोचा कि आपको सिंगर बनना है, हमें पूरा एक बैक ब्रीफ दीजिए कि किस तरह से शुरुआत हुई और कौन आपके गुरु रहे. मैंने बहुत जनों के पास सीखा है, पर मेरी मम्मी के फैमिली में सब लोग गाना गाते हैं. मेरे जो मामा हैं वो एक क्लासिकल सिंगर है, तो उनसे तालीम मैंने दिनों तक अभी भी ले रही हूँ. मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी सिंगर है. वो मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे उनका बहुत नाम है, कि स्कूल में वो गाती थी. तो मतलब मम्मी को देख के ही मैंने शुरू किया है सिंगिंग. एक्चुअली मम्मी क्लास करती थी, तो मैं उनके साथ हारमोनियम में जाके मतलब हारमोनियम के ऊपर बैठ के उनका सब बिगाड़ती थी. पर मम्मी पहली गुरु है, मतलब फर्स्ट गुरु माँ ही है, फर्स्ट गुरु मम्मी से सीखा. ऑलराइट जी Arunita, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जब से मतलब ये पूरा जो जर्नी रहेगा आपका इंडियन आइडल में, तब से ही लेकर तब जब तक आप इसमें बनी रहेंगे, हम तो चाहते हैं बिल्कुल आप जीते, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा जर्नी रहेगा उसमें आप सभी साथ में रहते हैं, लेकिन एक जो एक मिलवर्तन वाला भाव रहता है जब आप साथ में रहते हैं, तो वो किस तरह से क्रिएट होता है, कैसे आप दूसरे की हेल्प कर पाते हैं, और आपका बेस्ट फ्रेंड अभी तक कौन बन पाया है? ओके ये टाइम ना कैसा है इंडियन आइडल में, एवरी सिंगल वन यूनिक है. मतलब किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, मतलब एक से बढ़कर एक है. तब इनके बारे में क्या बोले तो उनके बारे में क्या बोले, ये है तो वो है, वो ऐसा है, मतलब एवरी वन
ईच एंड एवरी वन बहुत टैलेंटेड है और बहुत यूनिक है, तो हम लोगों का फर्स्ट दिन से ही बॉन्डिंग सबका अच्छा है और अभी तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। ऐसा फील कभी होता ही नहीं है कि हम लोग कंपटीशन में आए हैं और मतलब इससे अच्छा गाना है उससे अच्छा गाना है, बस हम लोग मेहनत करते हैं जितना कर सकते हैं, बस इतना ही करते हैं, बाकी कंपटीशन है ना है वो करना है ऐसा कुछ दिमाग में आता ही नहीं है, बस कोशिश कर रहे हैं जी। अरुणिता, हमने देखा है कि ऐसे कई सारी मोमेंट्स रहेंगे जहां पर आपको ऐसे लगा कि बस ये सबसे अच्छा मोमेंट है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि कौन सा ऐसा आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट रहा, वो हमारे साथ शेयर करें। एक्चुअली एवरी वीक बड़े बड़े लोग आते हैं हमारे शो में, तो वो एक ऐसा वाओ वाला मोमेंट एवरी वीक ही रहता है बहुत सरप्राइजिंग मोमेंट एवरी वीक रहता है। पर मैं हिमा मैम की बहुत बड़ी फैन हूँ, तो हिमा मैम ने काला टीका लगवाया था, तो वो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट था अभी तक। तो मतलब हिमा मैम बुला के ऐसे काला टीका लगा रही है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, मोमेंट। अरुणिता, हमने देखा है कि सारे ही जज बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छे हैं और बैक स्टेज भी आप लोगों को बहुत ही प्रोत्साहित करते होंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपसे जानना चाहती कि आपके फेवरेट जज कौन है और अभी तक सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है। और तो मैं समझ सकती हूँ कि किसी एक का चुनाव करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आप हमें एक बताएं। मतलब जजेस इतने फ्रैंक है, इतने अच्छे है वो लोग, मतलब जजेस स्टेज में आते ही हमारे साथ पहले मिलते हैं कि तुम लोग कैसे हो, कैसा चल रहा है, तो उस वक्त ही थोड़ा सा डर कम हो जाता है। और कॉम्प्लीमेंट्स तो सबको अच्छे देते हैं, मतलब हमको कभी डीमोटिवेट नहीं करते हैं, हर वक्त मोटिवेट करते हैं कि बुरा भी अगर हुआ और तो भी तुम लोग कोशिश कर रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं बोलते तुमने बुरा गाया है। मतलब हमको जो जो भी जगह हमने गलती की है वो बोलते हैं, पर कभी डीमोटिवेट नहीं करते, बहुत अच्छे से हमको समझाते हैं, बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। तो किसी एक जन को चूज करना है नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी एक को चूज करे, क्योंकि मतलब वो इम्पॉसिबल ही है, आप किसी को भी पूछ लो तो वो थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा मेरे लिए तो है, क्योंकि सब लोग ही आते ही बात करते हैं हमारे साथ और इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट सबको देते हैं, दे आर वेरी वेरी वेरी। अभी तो बहुत मैसेजेस आते हैं कि आपसे हम लोग ये गाना सुनना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। बहुत से होता है कि आपका घर कहाँ है, आपके घर आएंगे, आपके घर आके आपको ऑटोग्राफ लेके जाएंगे, मैसेजेस तो भरा भरा हुआ आता है, इतना प्यार मिल रहा है सब लोगों से, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मतलब इतना अच्छा लगता है जब हम लोग देखते हैं कि हमको पब्लिक इतना सुनना चाहता है। तो सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि इतना सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं। और फैन मोमेंट ऐसा तो अभी कोविड चल रहा है तो मिलना जुलना थोड़ा सा कम ही है, तो मैचेस में जो होता है ऐसे, आपसे शादी करनी है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये सब बहुत आते हैं मैसेजेस की शादी करनी है आपसे और बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपसे ये गाना सुनना है, ये गाना प्लीज आप सुना सकती हो, ये मैसेजेस भरपूर आते, भरपूर प्यार मिलता है, थैंक यू सो मच सबको इतना प्यार देने।